अमन जैन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसे काफ़ी कम लोग जानते हैं, और इसका अगर आप देखेंगे 52 वीक हायर लेवल्स के करीब ये स्टॉक चल रहा है, और कंपनी ने 1:2 का बोनस इशू भी डिक्लेयर किया। तो इसका अगर आप देखेंगे 180-175 के करीब चलता था और 250 के भी ऊपर गया, लेकिन बीच में अगर आप देखेंगे 2017 में एक हाई बनाया, फिर तो एक करेक्शन आया इसके अंदर, फिर एक बॉटम बनाकर एक अच्छी रैली कर रहा है। तो बोनस इशू का खबर से इस कंपनी के स्टॉक में भी उछाल आया है 3.45%। स्टॉक आज ग्रो किया, 274 के ऊपर क्लोजिंग थी, और ये कंपनी है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड। 156 का इसका 52 वीक लो है और हाई 282 का, तो हायर से थोड़ा सा नीचे ही है, लगभग हाई के ऊपर ही आप समझ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी रैली इस स्टॉक ने दिखाई है इस एक साल में। तो इनके अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो वो भी बेहतर आए थे, तो उसी के कारण जो है इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे 3,722 में छोटी कंपनी है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, और इसके अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो वो भी मार्च क्वार्टर के अवेलेबल है। 495 करोड़ का टोटल इनकम मार्च क्वार्टर में था, और दिसंबर में 465, जो कि ग्रो हुआ है, और नेट प्रॉफिट 65 करोड़ का आया था, और लास्ट क्वार्टर में 47। तो यही चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है जिसके फाइनेंशियल अच्छे आते हैं। लास्ट ईयर से भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे हैं, और कंटिन्यूस क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इंक्रीज़ होता है, तो वो स्टॉक थोड़ा मजबूत होता है। कोई गलत न्यूज़ अगर नहीं आती है तो उस स्टॉक के अंदर आप इंट्राडे शॉर्ट टर्म में भी अच्छे खासे अमाउंट बना सकते हैं। तो ये आपको देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। इसका मैं लेटर भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ सके। तो ये आप देख सकते हैं, लेटर BSE की साइट से निकाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1:2 रेशो से, मींस अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं तो कंपनी बोनस के तौर पे 1 शेयर फ्री में देगी, लेकिन बाद में प्राइस एडजस्ट होता है, लेकिन जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो सभी के ऊपर लागू होता है, बोनस शेयर के ऊपर भी, प्लस जो आपके पास पहले शेयर थे उसके ऊपर भी। मीन्स यहाँ पे डिविडेंड इनकम आपका आगे जाके बढ़ता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखने की। तो आज इसी के बारे में बोलना था, और इसका जो रिकॉर्ड डेट रहेगा वो कंपनी बाद में डिक्लेयर करेगी, तो 2 महीने के अंदर जो है ये सेटलमेंट पूरा हो जाता है। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए, थैंक यू।